time. तो आज हम अपना दूसरा ब्लॉग लेके आए हैं, सोचा आपको नई चीज से आगाह करें। तो बेसिकली इसे कहते हैं ब्लू बुल, नील गाय। ये पाकिस्तान में पाई जाती थी पहले, अभी भी पाई जाती है लेकिन बहुत कम, नायाब हो चुकी है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के ज़्यादातर थर डेजर्ट एरियाज में और जो ज़मीनी मैदानी एरियाज हैं पंजाब के साइड, वहाँ पाई जाती है। ये पाकिस्तान में पहले पाए जाते थे लेकिन अब पाकिस्तान में ये प्राइवेट फार्म हाउसेस में है ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिकार की वजह से ये तकरीबन ख़त्म हो गए। नीलगाय जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एंटीलॉप है। बेसिकली हिरन के अंदर दो नस्लें होती हैं, डियर फैमिली जो होती है वो 12 सिंगा होती है, एंटीलॉप जो होती है वो जिसको 2 सिंग होते हैं, जैसे ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गए, ऑरेक्स हो गए और काफ़ी चीज़ें हैं, ये एंटीलॉप में आती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटीलॉप है। नीलगाय 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है और नीलगाय कभी कभी शेर की तरह रोड भी करता है, धाड़ता भी है, इसकी बड़ी तेज़ आवाज़ होती है। इनकी एज जो है वो कैप्टिव के अंदर 21 साल 22 साल तक रिकॉर्ड की गई है कि 22 साल तक ये इजीली ब्रीड भी करते रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं। इनकी डाइट जो है ये हर टाइप का ग्रास, फ्रूट, पत्ते और सब्जियां, ये हर चीज़ खाते हैं और ये पानी के बगैर भी काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं। और इनकी जो फीमेल्स हैं और बच्चे हैं वो एक हर्ड में रहते हैं और मेल अमूमन अलग रहता है, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम सिर्फ मेल फीमेल के साथ जाते हैं, वरना मेल अलग घूमते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे लेकिन ये फिर भी इंडिया की जो फेंस है वहाँ से 8-8, 9-10 फीट की फेंस है, तो जब वहाँ से क्लांग के पाकिस्तान आते थे शुरू में, तो फिर इनकी यहाँ पर ब्रीडिंग शुरू हुई। तो अब पाकिस्तान में भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद में है, मेरे हिसाब तक कोई 4-5 हज़ार पाकिस्तान में हो चुके होंगे अब तक ये। और काफ़ी लोग ये भी सवाल करते हैं इसकी कुर्बानी हो जाती है, कुर्बानी हलाल है, खाया जा सकता है। कुर्बानी जो बकरा ईद की कुर्बानी होती है, सुन्नत इब्राहिमी होती है, उसके अंदर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इनकी जो ब्रीडिंग है वो ये फीमेल जब 18 महीने की होती है तो ये एडल्ट हो जाती है और इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फीमेल शुरू में एक बच्चे देती है, शुरू के 2 दफ़ा एक एक बच्चे देती है, उसके बाद ये 2-2 बच्चे देती है। इनकी जो प्रेगनेंसी होती है जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं वो 240 डेज अप्रॉक्स 8 मंथ्स होती है। अच्छा, इनमें जो मेल होता है ना वो ग्रेश कलर का या ब्लूइश कलर का होता है और फीमेल जो होती है वो गोल्डन होती है। बच्चे सारे गोल्डन कलर में ही होते हैं और ये बहुत अच्छे सॉक्स पहने हुए होते हैं, इनके ना पाँव में खुर के पास सॉक्स कहते हैं उसे ना, वो सॉक्स पहने हुए होते हैं, आप ज़रा गौर करना। और मेल जब एडल्ट हो जाता है तो वो ग्रेश शेड में आ जाता है और इन विंटर्स ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू में आ जाता है और जब समर होते हैं, गर्मी होती है, तो ये थोड़ा लाइट ग्रे कर लेता है। बेसिकली ये जो गर्म इलाके के जानवर हैं ज़्यादा डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो सर्दियों में इनको गर्मी ज़्यादा चाहिए होती है तो अपना डार्क कलर कर लेते हैं, तो इससे सनलाइट इनको ज़्यादा लगती है और इनकी बॉडी गर्म रहती है। और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है तो अपना कलर थोड़ा लाइट कर लेते हैं कि सन इनकी बॉडी से रिफ्लेक्ट करके वापस चले जाए और इनको गर्मी कम लगे। आप लोगों को होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों को कुछ नॉलेज देने की और जितनी हमें मुझे नॉलेज है, और आप लोग मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो आप लोग किस चीज़ के रिलेटेड चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क करूँगा। होप आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो भी सवाल हों कमेंट में ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। जज़ाकअल्लाह।